अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है ना। देखिए हम सब चीज़ पढ़ लिए, एटियोलॉजी क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं, ठीक, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका प्रिवेंशन कैसे करना होता है, उसके बाद आते हैं अपना मैनेजमेंट की ओर। मैनेजमेंट में हम सीपी में सबसे पहले अगर मैनेजमेंट में किसी का रोल होता है तो फिजियोथेरेपी का होता है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस होते हैं और जो मसल्स की कंडीशंस होते हैं, जॉइंट्स की कंडीशन होते हैं, इसे फिजियोथेरेपी अच्छे से डील कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी का रोल आता है सीपी वाले पेशेंट में तो किसका रोल आता है, फिजियोथेरेपी का, ठीक है ना। फिजियोथेरेपी जो होते हैं वो ही अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सर्जरी कराते हैं उससे अच्छा है फिजियोथेरेपी सबसे पहले कराइए। जब आपके पास लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बच रहा है तो आप मेडिकल में अन्य ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट में आफ्टर डायग्नोसिस फिजियोथेरेपी शुड बी स्टार्टेड। अगर आप डायग्नोस करने के बाद आपको लग रहा है कि ये सीपी का पेशेंट है, ठीक है ना, तो फिजियोथेरेपी की स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिजियोथेरेपी में क्या क्या कराते हैं, पीएनएफ टेक्निक का उपयोग करते हैं जैसे प्रोप्रियोसिटी, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है, टेक्निक का हम उपयोग करते हैं ताकि हम मूवमेंट को इनिशिएट कर सकें, ठीक है, यूज टू इनिशिएट द मूवमेंट। और गेट ट्रेनिंग देते हैं जो एटैक्सिक गेट पैटर्न में जो बच्चे चलते हैं ऐसे बच्चों को हम गेट ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है ना। और जो मसल स्पास्टिक में चला गया है उसे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, और जो मसल वेस्टिंग में चला गया है उसका हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। किस समझ में आ रहा ना, तो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, पीएनएफ टेक्निक, इन सबका उपयोग हम अपने फिजियोथेरेपी में करते हैं। अब आते हैं हमारे पास सेकेंड ऑक्यूपेशन थेरेपी, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या हो सकता है, हम ऑक्यूपेशनल क्या देख सकते हैं, मोबिलिटी एड इज यूज टू प्रमोट द मूवमेंट, हम मोबिलिटी एड्स का उपयोग करते हैं। मोबिलिटी एड्स में क्या क्या आते हैं, ब्रेसेस आते हैं, स्प्लिंट्स आते हैं, यूज टू द प्रॉपर मूवमेंट, ठीक है। स्पीच, तीसरा हम देखेंगे स्पीच थेरेपी, जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते उन बच्चे को बोलने के लिए हम स्पीच थेरेपी देते हैं। ऑडियोमेट्री, जो सुन नहीं पाते हाई ऑडियोमेट्री परफॉर्म करते हैं ऐसे बच्चों को लिए हम ऑडियोमेट्री एंड विजुअल थेरेपी देते हैं, ठीक है ना। पांचवी बात करें फार्माकोलॉजिकली मैनेजमेंट। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और वो स्पास्टिक है बच्चा, ठीक है, तो हम फार्माकोलॉजिकली मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं जैसे राजीपाम हो गए, डिल्टाजिम, सोडियम दे सकते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए ऐसे ट्रीटमेंट के लिए जो सीपी वाला चाइल्ड के बच्चे होते हैं ना उसमें ना मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा एजुकेशनल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन ट्रीटमेंट जब तक नहीं एजुकेशनल नहीं रहेगा, एजुकेटेड नहीं रहेगा इंसान, तब तक वो ठीक से जान नहीं पाएगा डिसीज़ को, और वो उनको लगेगा ये नॉर्मल ही है, ऐसा ही होता करके, ठीक है। तो हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। द डिफेक्ट ऑफ द विजन परसेप्शन स्पीच एंड लर्निंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द एडिक्वेट स्पेशल एजुकेशन, ठीक है ना, स्पेशल एजुकेशन देना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो जाए। सर्जरी लास्ट, सबसे लास्ट हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता है तो सर्जरी है। अगर आपको सब इन सब कराने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप सर्जरी, लास्ट ऑप्शन सर्जरी करा सकते हैं। सर्जरी में क्या है, अगर कोई गेट पैटर्न में चल रहा है तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी करा सकते हैं, न्यूरोलॉजी की सर्जरी भी करा सकते हैं। तो ये हमारा ख़त्म होता है गाइस सीपी। ये सीपी जो होता है इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी के लिए, साथ ही साथ मेडिकल और या फिर डेंटल जो भी है, नर्सिंग वगैरह जो भी है, जिसके लिए ये सभी के लिए मेरे ख्याल से ये नोट्स जो रहेगा सफिशियंट रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बनाया हूँ, ठीक है ना। आप अपना देख लीजिए सिलेबस क्या है, ठीक है। लेकिन मैं जो बुक प्रीफर किया हूँ ये बुक है अपने MBBS का बुक है, ठीक है ना, जिसे हम गई कहते हैं, एसेंशियल पीडियाट्रिक जो बुक है वो गई उन लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं इसी बुक को, और इसी का नोट्स तैयार किया हूँ। तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बुक का मैं अच्छे से नोट्स तैयार किया हूँ गाइस, आप एक बार जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है पूरा सीपी, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है गाइस ऑल अबाउट फ्यूजन मेडिकल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आप सभी के लिए नोट्स प्रोवाइड करूँ इसके लिए मेरे बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और यदि आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करता रहूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट एंड प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज़।